श्रीनगर की तरफ से आए तो सरचू पे अपना खाने पीने का इंतज़ाम पूरा रख के लाए, क्योंकि बीच में जो पैचिस है वहाँ पे ना पानी है ना खाने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल है। यहाँ से सीधा आपके पास दारचा पे मिलेगा जो कि जिसपा से 10-15 किलोमीटर के पास है, और यहाँ से लगभग लगभग 100-150 किलोमीटर है और रास्ता बहुत। आज हमारा टारगेट तो ले है, लेकिन वो अगर नहीं पहुंच पाए तो हम पांग से करेंगे। जैसा मैंने कल आपको बताया था, पांग बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, बस ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ भी रहती है। ओके, तो नीचे सब ने अपनी अपनी बाइकें तैयार कर दी हैं और अब हम तैयार होके अब नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करके आगे निकलेंगे। होप सो 12 लाख नाम में क्लियर मिले, क्योंकि वहाँ कल बता रहे थे कि कुछ लोग, कोई ट्रक फंसा हुआ है और स्नो विजन भी है रोज पे। होप सो सब हम जो ऑर्डर में थे और बाहर व्यू देखिए बहुत अच्छी बात है, और इनके सारे बाइकर्स हमारी बाइक रेडी करते हुए आज थोड़ा सा टप के बताएंगे जैसे बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ स्नो भी है और कुछ ट्रैफिक भी जाम में, कोई ट्रक वर्क फंसे पड़े हैं। होप सो सब कुछ ठीक हो, इसलिए हम आज अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 6:30 हो रहे अभी, हम रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। हम जिस्पा में हैं, देखिए पीछे व्यू देखिए, नदियाँ झरने स्नो बहुत अच्छा, सारी नदियाँ, और इसी के साथ हम आपको की अपडेट देते रहेंगे कि कहाँ पहुँचे कैसे पहुँचे, और इससे भी अच्छी वीडियोज आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू। परमिशन चेक होती है, अनफॉर्चुनेटली वो अभी बाइकों को परमिशन नहीं दे रहे हैं और एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आप अपने रिस्क पे आगे जाएंगे, वो भी हमने देने को दे दी है लेकिन अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली है। और यहाँ बहुत जाम लगा हुआ है और करीब करीब में तो 100 ट्रक हमारे पे सामने दिख रहे हैं जो फ्यूल्स के खड़े हैं सामने रोड पे, आपको शायद नज़र आए वो सामने, उधर देखिए वो सारे, लेकिन वहाँ से वहाँ तक सारे आपके ट्रक लगे हुए फ्यूल ट्रक, और यहाँ भी बहुत तगड़ा जाम हुआ है। और हमें यहाँ से निकल के जिंग बार होते हुए
थोड़ा सा जेन सेट में स्प्रे मार रहे हैं, ऑल ओवर आप एटमॉस्फेयर देख सकते हो, मेरे साथ कैमरा घुमाओ चारों तरफ, आप ये व्यू देख सकते हो, मतलब बहुत मजा आ रहा है राइड में, सारे रॉयल ब्रीज काफी इंजॉय कर रहे हैं एंड ठीक है, देखते हैं आगे अब क्या होता है, आगे थोड़ी और हैवी स्नोफॉल मिलने वाली है हमको, रास्ते का भी आगे चलते ही पता लगता है क्यों काश हमें बिल्कुल और वैसे एंजॉय बहुत है सीरियसली, अगर लाइफ में कुछ करना हो तो साला लेकर राइड जरूर ले। Okay. This is a wonderful river and probably this is a once in a lifetime opportunity to see such a kind of rivers and it is completely melted, you can see that, just go have a close look, it's completely melted and awesome, and if you have not seen this, you have not seen anything in your life, it is such a beautiful view and it is like a silver line, beautiful, amazing, you cannot describe by words. You have to come and experience this once in your life. Amazing, amazing, breathless. We have reached here with a lot of pain. We have driven through the snow. We have driven through rivers, canals, nalas, patthar, stones. Here you can see I am unable to speak very fluently. That is because the you know that oxygen level is very less. So you will have a breathing problem also. Amazing. Okay. So, जैसा कि आप देख सकते हैं जो यहाँ का नज़ारा है एक तरीके से ये है कि पहाड़ों ने वाइट चादर ओढ़ी हुई है, बहुत खूबसूरत सजे हुए हैं, और जैसे मैं इनकी बात रिपीट करूँ हिंदी में कि अगर ये नहीं देखा तो एक्चुअली लाइफ में कुछ नहीं देखा, इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही मैंने अपनी लाइफ में देखा हो कभी पहले, सो बेस्ट टाइम, बेस्ट टूर एवर एट द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया. Seriously, if you want to live your life, so you have to come Leh Ladakh. Ab ki baar? Sare yaar. Jai Hind, Jai Bharat. Bharat Mata Ki! Jai! Bharat! From JISPA, and we are going towards SERCHU. I must say the road was quite tough. जो snow वाले रास्ते आ रहे थे, it was quite tough to cross them.
बहुत फिसलन थी वहाँ पर, बट विद टीम हमने वो रास्ता पार कर लिया। और अभी ये जो आप देख ही रहे होंगे रास्ता काफ़ी टूटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, बट somehow as a team we have managed to cover this distance so far। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बार आएँ और यहाँ पर देखें इस रास्ते को, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने सुन लिया, लेकिन लगभग 3:30-4 हो रहे हैं, तो हम अंधेरे में नाइट राइड नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम यहीं स्टे करेंगे। और 251 किलोमीटर ले हैं यहाँ से, लेकिन रास्ता कुछ बहुत ख़राब है, कुछ बहुत स्मूथ है। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस रूट, एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, डू कॉन्टैक्ट अस, कमेंट अस, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये हमारी बुलेट्स पार्क हो रखी है और ये पूरा ओपन एरिया है, चारों तरफ पहाड़ है। ये टीन के शेड्स हैं बेसिकली, और टीन के शेड में जुगाड़ टाइप किया हुआ है, अंदर बेड लगाए हुए हैं और बेड आपने देखे होंगे। अब मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, राज को ब्लॉक क्रॉस करता हूँ इसकी फौज। दो दिन बाद अपना ठीक हो जाएगा। उस टाइम टेंशन वर्दी क्या है, दिल्ली में रहता सब। हेलो फ्रेंड्स, लगभग रात के 9 बज रहे हैं और हम सरचू कैंप पे हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए थे लगभग 3:30-4 बजे, जैसे मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में आपने बताया था मैंने, और यहाँ पे लगभग पूरा भर चुका है, यहाँ करीब 100-150 कैंप्स हैं, लगभग सारे भर चुके हैं, क्योंकि 12 लाचला जो है वो फुल जाम हो चुका है वहाँ पे। और क्योंकि यहाँ से भी ट्रैफिक छोड़ा, वहाँ से भी ट्रैफिक छोड़ा, तो वहाँ जगह नहीं है, तो हम टाइम से आ गए थे, टाइम से हमने यहाँ स्टे किया, तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहा। कल हम ले के लिए निकलेंगे, लेकिन सरचू में जो है ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, हमारे कुछ साथी जो है साथी हैं उनको सरदर्द और लाइक बॉडी पेन की इस तरह की शिकायतें हैं, वो सब सोए पड़े हैं। और जैसा भी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप कभी भी अगर मनाली की तरफ से आए या इस तरह श्रीनगर की तरफ से आए तो सरचू पे अपना खाने पीने का इंतज़ाम पूरा रख के लाएँ, क्योंकि बीच में जो पैचिस है वहाँ पे ना पानी है ना खाने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल है। यहाँ से सीधा आपके पास दारचा पे मिलेगा जो कि जिसपा से 10-15 किलोमीटर के पास है, और यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर है और रास्ता बहुत ख़राब है। बस मैं यही कहूँगा कि सेफ चले और अपना ध्यान रखते हुए चले। और बाकी जैसा आपको हमने दिखाया था अपने हमारे प्रीवियस वीडियो में कि कितना ट्रैफिक था, कितनी स्नो थी, और रोड कंडीशंस आपको आपने देखी ली होगी, और हम आपको आगे भी यहाँ की कंडीशंस आपको बताते रहेंगे। और टीम रॉयल बीच से कुछ साथी हमारे हैं, चेहरे तो इनके सब कुछ बयां कर रहे होंगे, लेकिन ये कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 40 फीट तक बर्फ है इस बार, और बोल रहे हैं कि 2017 में भी हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे, बोल रहे कि इतनी ज़्यादा बर्फ थी नहीं, लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बर्फ है, बहुत ज़्यादा है, मतलब 40 फीट, और ऑफ रोड मतलब बहुत ऑफ रोड है, टूटा हुआ है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। बाइकर्स को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और इस बार ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि जो कार वाले हैं उनके लिए तो क्या कहते हैं, बहुत घंटों के लिए जाम लगा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और बोलूँगा मैं कि जब भी यहाँ पर आएँ तो बस स्वाद का इच्छा ना करें, जो भी मिले खा लें, पेट भरें, खाली पेट रहेगा तो आपकी तबीयत और ख़राब हो सकती है।